नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप लोग आज हम इस वीडियो में डिविजिबिलिटी रूल डिजिटल सम के मेथड पे नंबर सिस्टम का चैप्टर चल रहा है हमारा ही उसके ऊपर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे फटाफट काफी वीडियो मैंने डाल दिए आप वो सब देख सकते हो तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन है दी सिक्स डिजिट नंबर 439xy5 इज डिविजिबल बाय 125 ये नंबर 125 से डिविजिबल है पूछा क्या है हाउ मेनी सच सिक्स डिजिट नंबर्स आर देयर मतलब क्या है इसका इसका मतलब ये है सिक्स डिजिट नंबर है जो 125 से कटते हैं यहाँ पे एक्स वाई की जगह पे हम क्या रखें ताकि जो भी नंबर बने वो 125 से कटें तो सीधी सी बात है कुछ करना ही नहीं है इसमें 125 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है वो कहता है कि लास्ट थ्री डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 125 तो लास्ट थ्री डिजिट कौन सी हैं और 5 अब हमें एक बात पता है भैया 125 से अगर डिवाइड करना है ना लास्ट की थ्री डिजिट को तो लास्ट में पांच तो आना चाहिए भाई एंड में पांच आना चाहिए तो तो वो संख्या क्या है 125 से कट जाएगी समझ रहे हो कहानी अब 125 सौ पच्चीस दूनी होता है ढाई सौ तो नहीं आ सकता ढाई कट जाएगा 125 से लेकिन आ नहीं सकता क्योंकि हमें लास्ट जो डिजिट है वो पाँच दे रखी है क्वेश्चन में ही तो अगर यहाँ पे जीरो होती तो हम ढाई सौ रख लेते कट जाता लेकिन नहीं सिर्फ पांच लास्ट डिजिट होना चाहिए एंड में लास्ट फाइव है तो कहने की बात ये है कि 125 की वो मल्टीपल संख्या है जिनके एंड में पांच आता है समझ रहे हो अब क्या ऐसे तो 225 भी 125 का मल्टीपल है दो से गुना करो 125 में डेढ़ ढाई आएगा ठीक है तो है लेकिन क्या है उसके लास्ट में जीरो आ रहा है पाँच नहीं आ रहा तो हमें ऐसी संख्या निकालनी है 125 से जो कटें वो संख्याएँ कौन कौन सी हैं जिनको रखने पर ये सिक्स डिजिट नंबर कितने बने तो सबसे पहले हम देखेंगे 125 सौ पच्चीस दूनी ढाई सौ एक सौ पच्चीस दिए तीन सौ तो अगर हम यहाँ पे तीन सौ पचहत्तर रखें पाँच तो है ही सैंतीस मतलब अगर सैंतीस आएगा एक्स वाई की जगह पे तो भैया ये संख्या बिल्कुल कट जाएगी तो एक मतलब कहने की बात यहाँ पे ये है के 125 के वो मल्टीपल निकालो जिनके एंड में फाइव आ जैसे कि हो गया 25 एक सौ पच्चीस दिए तीन सौ पिचहत्तर उसके बाद 125 सौ पच्चीस कितना होता है 625 अच्छा जी 125 सौ पच्चीस कितना होता है आठ सौ पिचहत्तर ठीक है जी 125 सौ पच्चीस आठे आप करोगे तो भैया ये क्या है फोर डिजिट नंबर आएगा एक सौ पच्चीस आठे आप करोगे ना तो ये आ जाएगा आई थिंक फोर डिजिट नंबर करके देख लो भाई अगर आप 125 सौ पच्चीस साठे करोगे तो वो हज़ार हो जाएगा हज़ार तो फोर डिजिट नंबर हो गया हमें तो थ्री डिजिट नंबर ही लेना है तो थ्री डिजिट नंबर हमारे कौन कौन से हुए 125 सौ पच्चीस तीए तीन सौ पिचहत्तर एक सौ पच्चीस पाँचे छः सौ पच्चीस एक सौ पच्चीस सात ये हो गया आठ सौ पचहत्तर ये तीन संख्याएं ठीक है ये तीन तो ये हो गई जिनको रखने पर ये संख्या हमारी 125 से कट जाएगी और एक खुद 125 हो गया तो टोटल कितनी वैल्यू पॉसिबल हुई सिक्स डिजिट की जो नंबर कितने बने वो बने भैया चार चार पॉसिबल वैल्यू सी ऑप्शन उसके बाद है ये क्वेश्चन इफ द फोर डिजिट नंबर ये फोर डिजिट नंबर है फोर सिक्स थ्री वाई इज डिविजिबल बाई सेवन सात से देन वाट इज़ द वैल्यू ऑफ वाई वाई की वैल्यू बतानी तो सात का डिविजिबिलिटी रूल मैंने आपको क्या बताया था ये तीन तीन का पेयर बना लो भाई तो छी सिक्स थ्री वाई माइनस में जीरो जीरो फोर अब हमें ये चेक करना है ये जो संख्या आएगी ये सात से डिविजिबल है या नहीं है तो आप एक बात बताओ ये क्या है तिरसठ या वाई पे इस वाई में एक ऐसा नंबर होगा जिसमें से चार घटाने पर जो संख्या आए वो सात से कटे तो वाई की जगह पे मैं क्या रखूँ वाई की जगह पे मैं रख सकता हूँ भैया लेट वाई इज इक्वल टू फोर तो चार में से चार जाएगा क्योंकि ये मैंने इसलिए रख दिया क्योंकि मैंने देख लिया सिक्सटी थ्री तो सात से कटता ही है तो चार में से चार जाएगा वाई की जगह पे अगर मैं चार रखता हूँ तो चार में से चार जाएगा तो बचेगा छः सौ तीस छः सौ तीस तो भैया बिल्कुल सात से कटता है सात निम्न तिरसठ बिल्कुल कटता है भैया ये है ना पूरा पूरा कट जाएगा रिमाइंडर आएगा जीरो तो वाई की वैल्यू हमने क्या रख दी भैया फोर फोर हमारा आंसर है ए ऑप्शन होप आपको ये समझ में आया होगा कभी कभी ना इतना इजी होता है यहीं पे दो डिजिट देख लिया करो कि भैया दो डिजिट जो दे रखी हैं वो सात से कट रही हैं हाँ जी कट रही है तो इसको माइनस करना है तो यहीं पे वो वैल्यू रख दो ना जो इससे माइनस करने पे जीरो हो जाए वही चीज मैंने किया उसके बाद है ये question, number, ये है ये ये क्वेश्चन ए सिक्स सिक्स डिजिट डिजिट नंबर नंबर अच्छा जी इज डिविजिबल बाई एटीन एटीन बोले तो को प्राइम नंबर कौन सा को प्राइम नंबर बनेंगे भैया इसके को प्राइम नंबर बनेंगे हमारे नौ दूनी अठारह अच्छा जी इफ वी सबस्ट्रैक्ट ये संख्या अठारह से डिविजिबल है लेकिन आगे देखो इफ वी सब फाइव टाइम ऑफ फोर्टी वन फोर्टी हो गया भैया बीस दो सौ पांच फ्रॉम द नंबर इसमें से घटाने पर देन द न्यू नंबर विच इज फॉर्म विल बी डिविजिबल बाई वो हमें संख्या बतानी जो इसको घटाने के बाद आई है वो इनमें से किससे डिविजिबल है तो आप एक चीज देखो इसका तो कोई महत्व ही तो नहीं है एटीन का हमें जो एटीन के को प्राइम बनाया इसका कोई जरूरी नहीं है आप सात सौ तिरसठ दो सौ चौवन में से दो सौ पाँच घटा दो तो भैया कितना आएगा यहाँ पे घटाने पे आएगा चौदह में से पाँच गए नौ चार में से जीरो गया चार दो में से दो गया जीरो तीन छः सात ये संख्या आ गई ये संख्या बतानी है इनमें से किससे घट रही है सबसे पहले दो का डिविजिबिलिटी रूल देखो दो का डिविजिबिलिटी रूल बोलता है लास्ट डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई टू तो लास्ट डिजिट तो नाइन है है तो टू से नहीं कटेगी तो ये गया उसके बाद बचा पाँच पाँच को देखूंगा पाँच के लिए मतलब लास्ट में डिजिट होनी चाहिए ज़ीरो या फाइव तो वो संख्या पाँच से कटेगी तो यहाँ पे भी नहीं है तो ये सी ऑप्शन में गया बचा सात और तीन मैं तीन को पहले चेक करूँगा जो ईजी है तीन के लिए मैं यहाँ पर डिजिटल सम लगाऊँगा तो डिजिटल सम लगाऊँगा तो नो ये गया अच्छा जी छः और तीन नौ ये गया सात और चार हो गए ग्यारह ग्यारह बोले तो वन प्लस में वन बोले तो टू टू तो भैया तीन से नहीं कटता है तो ये तीन भी कैंसिल हो गया बचा सिर्फ बी ऑप्शन ये हमारा आंसर हो जाएगा मैं चेक करूंगा ही नहीं और आप चेक भी कर लो तो भी आपका आंसर यही आएगा इफ सेवन का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो लगा दो तीन तीन का पेड़ बना के जो घटाने के बाद संख्या आए उसको साथ से काट के देख लो वही हमारा आंसर आएगा बी ऑप्शन वो सात से कट जाएगी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा उसके बाद है ये क्वेश्चन है इलेवन डिजिट नंबर ये इलेवन डिजिट नंबर है ये डिविजिबल है नाइन्टी से इसने बोल दिया कि ये कट रहा है पूरा कुछ भी हो एक्स वाई की जगह पे ये कट रहा है नब्बे से देन द वैल्यू ऑफ ये वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहले हमारा स्टेप होगा एक्स वाई की वैल्यू निकालना फाइव फोर थ्री टू फोर सेवन एक्स नाइन सिक्स एट वाई ये नब्बे नब्बे से कटेगा तो बोले तो ये कटेगा भैया और भर से राइट अब इन दो, ये दोनों नंबर क्यों लिखे मैंने क्योंकि ये दोनों आपस में को प्राइम है, को प्राइम नंबर में ही ब्रेक करना है और किसी में ब्रेक नहीं करना है भाई तो नौ का डिविजिबिलिटी रूल लगा दो दस का क्या होता है डिविजिबिलिटी रूल वैसे पान दूनी दस दो का पांच का नौ का इन तीनों से चेक करनी पड़ेगी तो भैया पांच यहाँ पे हम सबसे पहले दो का लगाएंगे दो से चेक करेंगे वो क्यों करेंगे वो इसलिए करेंगे कि हमें y की संख्या पता चल जाएगी फिर सिर्फ x x की बचेगी तो अगर मैं y को जीरो रखूं तो भैया वो दो से भी कटेगी बिल्कुल और वो पांच से भी कटेगी अच्छा जी तो y को मैं जीरो ही रख लेता हूं क्योंकि हमें ये पता है कि ये संख्या न से डिविजिबल है डिविजिबल है तो मतलब y की संख्या शुड भी ऐसी आनी चाहिए जो दो से भी कटे पांच से भी कटे मैंने जीरो ही रख लिया y को अच्छा जी अब नौ से चेक करते हैं ये डिजिटल सम लगाते हैं भैया है, चार और पाँच नौ सात और दो नौ उसके बाद नौ ये गया छः और तीन नौ बच गया कितना आठ और चार आठ और चार बारह बारह बोले तो वन प्लस में टू थ्री थ्री प्लस में एक्स प्लस में वाई हमारा जीरो है ही ये हमारा आ गया डिजिटल सम ये होना चाहिए जीरो या नौ का कोई मल्टीपल मतलब नौ से कटे तो अब क्या करें अब हमें वाई हमें वाई हमें वाई, हमें वाई की वैल्यू पता है कि वाई शुड बी जीरो भाई y या तो जीरो हो या ऐसी संख्या हो जो दो से कटे पाँच से कटे तो मैंने y को जीरो ही ले लिया जीरो रखने पर वो दो से भी कटेगी और पाँच से भी कटेगी अच्छा जी हमें सिर्फ अब यहाँ पे ही देखना नो के नौ नो का डिविजिबिलिटी रूल लगा के डिजिटल समय हमने निकाल लिया इसका कितना आया थ्री प्लस में एक्स प्लस में जीरो वाई की वैल्यू हमें पता चल गई एक्स की वैल्यू हम कैसे पता करें भाई हमें पता है कि यहाँ पे ये संख्या जो डिजिटल सम आए या तो ये जीरो या नौ का मल्टीपल हो तो यहाँ पे क्या पुट करें एक्स पुट करेंगे सिक्स सिक्स पुट करने पर ये हो जाएगा टोटल सम नाइन नाइन तो नौ से कट रहा है जीरो बिल्कुल तो एक्स की वैल्यू आ गई छः वाई की वैल्यू आ गई जीरो पुट कर दो क्या निकालना है फोर एक्स एक्स बोले तो सिक्स प्लस में फाइव इंटू में जीरो छः चौके चौबीस चौबीस हमारा आंसर हो जाएगा चौबीस ए ऑप्शन होप आपको ये समझ में आया होगा उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन इफ़ सेवन डिजिट नंबर ये सेवन डिजिट नंबर है इज न 40. 40 से डिविजल बोले तो इसका को प्राइम नंबर क्या हो सकता है क्योंकि इसका डिविजिबिलिटी डायरेक्ट तो फोर्टी का होता नहीं है तो भैया पान अठे चालीस आठ का भी डिविजिबिलिटी रूल हमें पता है पांच का ही पता है फॉर सम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स और वाई की सम पॉसिबल वैल्यू निकालनी है देन द वन वैल्यू ऑफ टू एक्स माइनस में फाइव वाई ये इसकी वैल्यू बतानी है तो कैसे करें इसकी तो भैया पहले तो पाँच का देखो आठ का देखो फाइफ थ्री थ्री फोर फाइव एक्स वाई अब पाँच के लिए और आठ के लिए चेक करना है तो पाँच के लिए हमें क्या करना वाई क्या हो सकता है जीरो हो सकता है पाँच हो सकता है बिल्कुल हो सकता है ना जो वाई है वो हमारा वो भैया जीरो भी हो सकता है और पाँच भी हो सकता है भैया एंड में पाँच या जीरो आएगा तभी तो ये संख्या पूरी पाँच से कटेगी आठ का डिविजिबिलिटी रूल बोलता है तो भैया लास्ट की थ्री डिजिट शुड भी डिविजिबल बाई एट तो अगर y हम जीरो लेते हैं तो यहाँ पे बचेगा कितना यहाँ पे बचेगा भैया x के अब ऊपर हम क्या पुट करें ताकि ये संख्या हमारी आ, कट जाए आठ से भई आठ एकम आठ आठ दूनी सोलह आठ थी चौबीस आठ छत्तीस आठ पाँच चालीस आठ छः अड़तालीस अगर मैं x जीरो पुट करता हूँ क्योंकि मैंने y तो जीरो रख ही लिया है पहले एक बार x अगर मैं जीरो पुट करता हूँ तो 48 48 50 में से 48 गया तो कितना बचेगा भैया दो दो तो 20 बचेगा 20 तो नहीं कटेगा आठ से x अगर मैं वन रखता हूँ तो ये बन जाएगा कितना आ, 50 में से इक्यावन में से अड़ता गए तो बचा तीन तीस तो भैया नहीं कटेगा दो रखता हूँ दो रखने के बाद फिफ्टी में से यहाँ पे दो रखूँगा फिफ्टी में से अड़तालीस गया चार बचेगा पान आठ चालीस दो एक संख्या हमारी आई जिसको रखने पर x शुड बी x को अगर हम दो रखते हैं तो ये संख्या हमारी बिल्कुल और y को हम रखते हैं जीरो तो ये संख्या हमारी आठ से भी कट जाएगी और पाँच से भी कट जाएगी एक तो चीज़ ये आ गई एक्स वाई की वैल्यू पाँच और जीरो भाई x आ गया हमारा टू टू रखने के बाद जो संख्या आती है वो बनती है फाइव टू जीरो वाई हमने ज़ीरो ले लिया ये आठ से कट जाती है और वाई हो गया हमारा ज़ीरो एक्स और वाई की वैल्यू आ गई टू और जीरो पुट करो टू इंटू में टू माइनस में फाइव इंटू में ज़ीरो आंसर आ गया फोर फोर तो ऑप्शन में है नहीं तो आप क्या करें एक्स की वैल्यू चेंज कर दो तो। एक्स को हम क्या और रखें भैया चार रखेंगे यहाँ पे तो ये बनेगा चौवन चौवन तो नहीं कटेगा भैया आठ से छः रखते हैं अठू सात छप्पन बिल्कुल अगर एक्स को हम सिक्स लें एक्स को हमने ले लिया सिक्स तो x की सिक्स वैल्यू तो यहाँ पे अगर सिक्स पुट करेंगे इसमें टू इंटू में सिक्स माइनस में फाइव इंटू में जीरो वाई हमारी जीरो है तो छः दो बारह 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 ऑप्शन में है बारह ऑप्शन में ये ये हमारा सही हो जाएगा होप आपको अभी समझ में आया होगा हमने ये टू सी संख्या कट रही थी एक्स को टू लेने के बाद लेकिन क्या है उससे जो आंसर आ रहा था इसको सोल्व करके तो भैया वो ऑप्शन में नहीं था तो हम आगे बढ़ेंगे और ऑप्शन और हम एक्स की वैल्यू कुछ और लेंगे जिससे हमारा ये आंसर आ जाए ये चीज़ करनी है आपको उसके बाद है ये क्वेश्चन डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर से डिविजिबल है। अरे यार ये बार बार मिल रहा है अगर ये आठ डिजिट नंबर है नाइन फाइव थ्री फोर एक्स थ्री सेवन वाई ये भैया ट्वेंटी फोर से डिविजिबल है ट्वेंटी फोर बोले तो तीन आठ है चौबीस देन वट इज द वैल्यू ऑफ ये वैल्यू बतानी है फॉर द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स एक्स की हमने लार्जेस्ट वैल्यू लेनी है वो किसमें जीरो से नाइन के बीच में तो सबसे पहले हम चेक करेंगे भैया पहले हम y आठ से चेक करते हैं क्योंकि आठ से चेक करेंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा कि y की वैल्यू क्या क्या हो सकती है तो आठ के लिए हमारा रूल था लास्ट की थ्री डिजिट शुड बी डिविजल बाई क्या एट तो अगर y को हम जीरो रखेंगे एक रखेंगे दो रखेंगे तीन रखेंगे चार रखेंगे पाँच रखेंगे छः रखेंगे सात रखेंगे आठ रखेंगे नौ रखेंगे तो इनमें से किस किस को रखने पर ये संख्या हमारी लास्ट की थ्री डिजिट कट जाती है जीरो रखेंगे तो सैंतीस तो भैया आठ से नहीं कटता है एक रखेंगे तो ये बचेगा कितना आठ चौक बत्तीस बत्तीस सैंतीस में से बत्तीस गया पचास इक्यावन इक्यावन नहीं कटेगा दो रखेंगे तो यहाँ पे बत्तीस जाएगा सैंतीस में तो बचेंगे पाँच और बावन कटते हैं तो भैया बावन तो नहीं कटता आठ पाँच चालीस आठ से अड़तालीस और आठ सत्तु छप्पन नहीं कटता तीन रख के देखो भाई तीन रख देखेंगे तो बचेगा कितना सैंतीस में से बत्तीस जाएंगे तो भैया ये बच गया पाँच तिरपन भी नहीं कटता पाँच फिर भी बचेंगे तो ये चार रखेंगे चौवन भी नहीं कटता छः रखेंगे हाँ थ्री सेवन सिक्स ये कटता है आठ आठ सौ को बत्तीस बचेगा कितना पाँच सैंतीस में से बत्तीस गए पाँच छप्पन छप्पन आठ से कटता है तो एक वैल्यू आ गई वाई की सिक्स वाई की वैल्यू तो हमने निकाल ली सिक्स वैसे आपको यही इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी थी अगर आप इसको ऐसे वाई की वैल्यू अगर आठ के थ्रू निकाल रहे तो आप इसको इस थ्री के थ्रू भी निकाल सकते हो थ्री के लिए हम इसको अप्लाई करें डिविजिबिलिटी रूल तो डिजिटल सम से करेंगे नौ से उड़ा दो नौ ये गया चार और पाँच नौ ये गया सात और तीन दस दस और तीन तेरह तेरह बोले तो वन प्लस में थ्री फोर फोर प्लस में एक्स प्लस में वाई वैसे वाई की वैल्यू हमने पहले निकाल ली मैंने इसमें आठ के थ्रू लेकिन आप इससे भी निकाल सकते हो Uh, इनका आना चाहिए सम जीरो या ये डिजिटल सम लग, ये डिजिटल सम निकाल लिया हमने इस संख्या का तो ये जीरो या नाइन से कटने वाली संख्या आनी चाहिए तो हम एक्स और वाई की जगह पे क्या रखें या तो जीरो बन जाए या नौ बन जाए या नौ का मल्टीपल बन जाए जिससे ये कट जाए और नौ का मल्टीपल बनेगा तो मतलब यहाँ पर सिंगल डिजिट ही आएगी मतलब नौ से ज़्यादा कोई संख्या सिंगल डिजिट हो ही नहीं सकती तो अब यहाँ पे हम सबसे पहले ज़ीरो बनाते हैं हम यहाँ पे सबसे पहले एक्स और वाई की जगह पे क्या पुट करें ताकि वो संख्या जीरो या नौ का मल्टीपल बन जाए तो भैया एक्स इसने बोला लार्जेस्ट वैल्यू लेनी है अगर मैं नौ बनाऊँ तो नौ बनाऊँ तो मैं पाँच ये लूँगा जीरो ये लूँगा x मैक्सिमम लेना है तो जीरो क्या y को क्या लूँगा भैया जीरो लूंगा लेकिन अगर मैं y को जीरो लेता हूं तो अगर मैं यहाँ पे y पुट करता हूं तो इसकी लास्ट जो थ्री डिजिट हैं ये आठ से तो नहीं कट रही हैं तो मैं ये तो नहीं ले सकता तो अब क्या करूं उसके बाद आगे बढ़ो भाई उसके बाद हम नौ नहीं बनाएंगे तो इसका अठारह बनाते हैं अठारह बना के देखते हैं अठारह तो नौ से कट जाएगा और अठारह बनाने के चक्कर में क्या सिंगल डिजिट ही रखनी पड़ेंगी और तो कुछ नहीं रख सकते तो अठारह में से चार गए कितने बज गए चौदह चौदह नौ अगर मैं ये लेता हूँ और भाई पाँच ये लेता हूँ नौ और पाँच चौदह और चार अठारह तो क्या है ये संख्या लेकिन पाँच मैं वाई की जगह पर रखूंगा तो भी भैया वो आठ से डिविजिबल नहीं है अच्छा जो नहीं है तो अब यहाँ पे हम रखते हैं आठ एक्स के जगह पे आठ और यहाँ पे रखते हैं छः छः अगर मैं वाई की जगह पे रखता हूँ तो ये लास्ट की थ्री डिजिट भी आठ से कट जाएंगी और ये भी सेटिस्फाई हो रही है आठ और छ आठ और छः कितने हो गए आठ और छः हो गए चौदह और चार अठारह अठारह बोले तो वन प्लस में एट नाइन नाइन तो नाइन से कट जाएगा समझ में आ रही है आपको मेरी बातें और यही ये ट्रम अगर वाई हमारा हमने यहाँ पे सिक्स लिया ना तो सिक्स को मैं यहाँ पे रखता हूँ तो थ्री सेवन सिक्स बनता है जो आठ से पूरी पूरी संख्या कट जाएगी तो एक्स की वैल्यू आ गई और वाई की वैल्यू आ गई मैंने यहाँ पे वाई की पहले वैल्यू निकाल ली वाई की वैल्यू वैल्यू निकाल लेते निकाल ली थी तो मैंने यहाँ पे अगर मैं सिक्स पुट कर देता तो यहाँ पे ऑप्शन में सिर्फ एक ही बचता क्योंकि ये दस हो जाती छः और क्योंकि ये दस हो जाती छः और चार दस और आठ अठारह अठारह नौ से कट जाता वो मैं अपने करता लेकिन मैंने आपको दोनों चीज़ें समझा दी हैं अब ये निकाल दो थ्री एक्स एक्स क्या है हमारा आठ आठ तीस चौबीस प्लस में वाई कितना है छः तो ये हो गया तीस तीस हमारा बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा मैं एक चीज़ ना आपको बढ़िया से बता रहा हूँ फिर भी अगर आप ना सीख पाओ तो भाई कोई और टीचर पकड़ लो यही बोल सकता हूँ उसके बाद ये क्वेश्चन इफ नाइन डिजिट नंबर ये संख्या है इज डिविजिबल बाई थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स का डिविजिबिलिटी रूल हमें डायरेक्ट तो कुछ पता नहीं है तो इसका होता है नौ चौक छत्तीस को प्राइम नंबर में देख लो इसके जो को प्राइम नंबर है को प्राइम नंबर क्या होते हैं वो आप स्टार्टिंग की डेफिनेशन देखो आराम से तब आपको पता चलेगा बीच में से वीडियो देखोगे ना कुछ समझ में नहीं आता यार स्टार्टिंग से देखो आराम से समझ में आएगा नौ का डिविजिबिलिटी रूल पता है चार का पता है लगा दो तो फिर भाई सेवन टू एक्स एट फोर वैसे आगे देख लो क्वेश्चन में बोला क्या है कभी लगा दें और उसकी जरूरती ना हो वट इज द वैल्यू ऑफ ये वैल्यू निकालनी फॉर द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ वाई वाई की जो वैल्यू है ना वो हमने स्मॉलेस्ट लेनी, लेनी है सबसे छोटी लेनी है गिवन दैट एक्स एंड वाई आर नेचुरल नंबर और एक्स और वाई नेचुरल नंबर है नेचुरल नंबर कौन से होते हैं एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस Zero, natural number तो जीरो नेचुरल नंबर नहीं होता जीरो होल नंबर तो पहले हम इसको चार से चेक करें तो चार से चेक करेंगे स्मॉलेस्ट वैल्यू लेनी है ना जीरो से नाइन के बीच में आएगी वाई की वैल्यू तो वाई की वैल्यू हम जीरो ही ले लेते हैं और ये बन जाएगा क्योंकि चार का डिविजिबिलिटी रूल होता है लास्ट की टू डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई फोर तो लास्ट की दो डिजिट क्या है वाई और फोर तो अगर मैं वाई की जगह पे जीरो रख दूँ तो ये फोर तो फोर से कट जाएगा तो स्मॉलेस्ट वैल्यू ले ली हमने जीरो वाई की ये हम ध्यान रखेंगे अब नौ का डिविजिबिलिटी रूल लगा दो यहाँ पे आ, सात और दो नौ ये गया आ, बच गया क्या भैया बच गया ये चार और चार आठ और एक नौ ये गया ठीक है जी उसके बाद भैया आठ और तीन आठ और तीन हो गए भैया ग्यारह ग्यारह बोले तो वन प्लस में वन टू टू प्लस में एक्स प्लस में वाई हमें पता है कितना जीरो इज इक्वल टू जीरो या नाइन का डिविजिबल आना चाहिए तो यहाँ पे हम एक्स की जगह पे क्या रखें या तो वो नौ बन जाए या अठारह बन जाए जिससे वो नौ से कट जाए या जीरो बन जाए तो हम एक्स पे रखेंगे भैया यहाँ पे सात एक्स की वैल्यू सात वाई की वैल्यू आ गई हमारी कितनी जीरो अब पुट करके देखो क्या ये संख्या हमारी ऐसे सोल्व हो रही है तो अगर हम इसमें पुट करें सात और जीरो को तो आप देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सात बाय जीरो माइनस में जीरो बाई सेवन ये इसका कुछ रिजल्ट बनेगा नहीं कुछ आंसर आएगा ही नहीं भाई ये क्या होती है ये तो इन्फिनी होती है तो ये तो हमारी कैलकुलेशन गलत हो जाएगी क्योंकि इसका कोई रिजल्ट निकलेगा ही नहीं भैया तो नहीं निकलेगा तो मतलब एक्स और वाई की जो हमने वैल्यू निकाली उनमें हमने गड़बड़ करी है गड़बड़ नहीं करी हमने निकाली सही है उसमें कुछ गलत नहीं है लेकिन जो एक्स और वाई की वैल्यू आई ना वो इस ट्रम में रखने के बाद हमारा इनमें से जो ऑप्शन है ना उनमें से आंसर नहीं आ रहा है तो हम क्या करें तो हम y की वैल्यू बदलेंगे y की वैल्यू अगर हम और क्या है एक को रखेंगे चौदह तो चार से कटेगा नहीं वाई की वैल्यू हम लेते हैं भैया दो दो रखने पर ये बनती है लास्ट की टू डिजिट चौबीस चौबीस बिल्कुल चार से कट जाएगा ठीक है तो वाई की वैल्यू अगर दो ले ली हमने तो डिजिटल सम तुमने निकाल रखा था तो वाई की वैल्यू यहाँ पर हम दो लिख देते हैं जीरो की जगह पर दो दो चार चार नौ में से चार गए तो पाँच पाँच की कसर रहती है एक्स अगर हम पाँच लें वाई अगर हम दो लें तो टोटल बैठेगा नौ नौ तो नौ से कट जाता है जीरो आ जाएगा अब x और y की वैल्यू पुट करके देखो क्या फिर आंसर आ रहा है देखो कभी का ये क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही आपको पकड़ बन जाएगी फिर एक सेकंड में आप है ना जब डिजिटल सम निकाल लोगे एक्स वाई की वैल्यू निकालोगे देखोगे ना तभी आपको पता चल जाएगा कि ये पुट करने से आंसर नहीं आएगा तो अब देखो पुट करो एक्स हो गया हमारा पाँच वाई हो गया हमारा दो माइनस में वाई दो ये पाँच अब हमें इसको सोल्व करना है अब आप एक चीज देखो एल्शियम ले लो दस और यहाँ पे Uh, करेंगे पाँच से गुना और यहाँ पे भी पाँच से पच्चीस माइनस में ये दो से ऊपर दो चार ये हो गया भैया इक्कीस बटे दस इक्कीस बटे दस बोले तो इक्कीस बटे दस इक्कीस बटे दस आ गया इक्कीस बटे दस का मतलब होता है दो इंटू में टेन uh, इंटू में टू ट्वेंटी प्लस में वन दो सही एक बटा दस कोई है आंसर बी ऑप्शन ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था आराम से देखोगे समझ में आएगा स्टेप टू स्टेप क्वेश्चन पे चलो उसके बाद है ये लास्ट क्वेश्चन इफ इलेवन डिजिट नंबर है ये इस डिविजल बाई सेवनटी टू से सेवेंटी टू का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा भाई आठ नहीं में बेहतर को प्राइम नंबर नौ का पता है आठ का पता है देन द वैल्यू ऑफ ये वैल्यू निकालनी है तो निकल जाएगी आराम से फाइव सिक्स सेवन एट एक्स फोर थ्री टू सिक्स सेवन वाई अब लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए हमारी आठ से डिविजिबल थ्री लास्ट आठ का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है लास्ट की थ्री डिजिट सिक्स सेवन वाई की जगह पे हमने क्या पुट करना है कि वो भैया कट जाए आठ से तो जीरो रखेंगे नहीं कटेगा आठ नहीं बेहतर अठवा टू चौंसठ नहीं कटेगा चौसठ अठवा टू चौंसठ पे जाएगा सिक्सटी सेवन में से चौंसठ गया तीन बचेगा तो बत्तीस मतलब दो वाई की वैल्यू अगर हम टू रखें तो बत्तीस बनेगा बत्तीस तो कट जाएगा आठ एकमा आठ आठ उन्नीस आठ चौबीस आठ बत्तीस तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास टू उसके बाद हमें यहाँ पे नौ का डिजिटी रूल डिजिटल सम लगा दो भाई चार और पाँच नौ और ये छः और तीन नौ सात और दो और कुछ बेटर है नहीं सात और सात चौदह ना सात और दो नौ ये हो गया बस यह क्या सात और आठ पंद्रह पंद्रह और छः इक्कीस इक्कीस बोले तो टू प्लस में वन कितना हो गया थ्री प्लस में एक्स प्लस में वाई कितना है हमारा वाई हमारा टू है ये जीरो या नाइन का होना चाहिए ताकि वो नौ से कट जाए या जीरो आए तो यहाँ पे तीन और ये हो गया दो पाँच पाँच यहाँ पे चार रखें एक्स की वैल्यू तो ये नौ बनेगा नौ तो नौ से कट जाएगा तो एक्स की वैल्यू आ गई चार वाई की वैल्यू आ गई दो पुट कर दो इसमें पाँच गुना में चार प्लस में आठ गुना में दो बीस प्लस में सोलह कितना हो गया छत्तीस छत्तीस बोले तो भैया इस छत्तीस का रूट क्या हो गया सिक्स सिक्स हमारा आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा होप आपको ये समझ में आया होगा अगर वीडियो आपको ठीक लगी तो गाइज लाइक करना चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना थैंक यू